बेंजुड़ी के साथ चिरोली रही विजयी और अब होगा केसुदर और ओणी का मैच। आप भी बने रहे गाइस मेरे साथ हमारे यहाँ का मैच देखने के लिए, इसलिए हम बैठ गए हैं। सबसे पहले ये देखो सीधे आ गए यहाँ पे नेट के सामने, नेट बोर्ड के सामने। सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते, मैं ममता स्वागत करती हूँ आपका एक नई वीडियो में। आई होप दोस्तों आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अच्छे से कमेंट करना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं ममता रोज की तरह आपके लिए दोस्तों नई वीडियो लाई हूँ पौड़ी जनपद के एक सुंदर से खूबसूरत गांव की सुंदर से। और अभी गाइस हो गया है टाइम 10:30 हो चुकी है, अभी पानी खुला, हम पानी लेके आ रहे हैं नीचे से नल से, क्योंकि हमारे कनेक्शन में पानी नहीं आ रहा नल पे, और वहाँ से पानी लेने पे लगे, कल भी नहीं आया पानी, पता नहीं क्या हुआ कल भी, और पानी लेके आ रहे हैं और वीडियो बनाने का मौका भी नहीं मिला। अब जाऊँगी मैं पहले बर्तन धोती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ना पानी भरने में नीचे जाना है, पहले भरूँगी, पहले धोऊँगी बर्तन और उसके बाद जाऊँगी। आज मैं किचन में पोछा वगैरह लगा दिया सुबह ही, झाड़ू झूड़ू कर दिया, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं स्कूल और दिक्कत नहीं होती। फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। रेडी मैच देखने के लिए, और आज है पहले है सिरोली और वर्सेस क्या बोलते हैं ये यहाँ बेंजोड़ी, और उसके बाद है हमारा मैच केसुंदर और ऊनी का। देखते हैं कौन विजेता रहता है। अभी एक बार आपको यहाँ का मौसम बता देती हूँ गाइस, कैसे हमारे यहाँ का मौसम अच्छी से धूप खिली हुई है, एक बार बताती हूँ आपको। ये देखो गाइस यहाँ पे हमारा बड़ा ही प्यारा मौसम हो रखा है यहाँ पे आजकल, और कहीं धूप कहीं छाया, पर हमारे यहाँ नीचे छाया अंदर बहुत ठंडा लग रहा है, इसलिए मैं आ गई छत में। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा मौसम रखा है, धूप बहुत ही सुंदर धूप लगी है, साथ ही साथ हम तैयार हो चुके हैं यहाँ पे मैच देखने के लिए। और मैं उत्तराखंड पर्यटन की ओर से डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। यहाँ पे चलेंगे और मैच देखने के लिए, और सुबह से टाइम लगा क्योंकि पानी है हमारे यहाँ, तो इसलिए हम मैं बैठ रही हूँ छत में, अब धूप सेक रही हूँ। आज यहाँ ठंडा लग रहा है, बहुत खतरनाक ज़्यादा ठंडा लग रहा है। अब जुलाव वगैरह पहनूँगी क्योंकि वहाँ धूल है बहुत भयंकर, जैसे मैंने आपको बताया भी था। और अच्छी से धूप के लिए इसलिए छत में आ चुकी हूँ धूप सेकने के लिए। और पेड़ पौधों को भी यहाँ पे रखा है, क्योंकि हमारे नीचे पाला पड़ता है तो पेड़ पौधे काले पड़ जाते हैं और धूप भी नहीं लगती है, इसलिए नीचे नहीं रखे हैं। और ये पता नहीं क्या उस फूल को, ये अजीब सा हो गया अब इसमें, उसमें तो ठीक है आगे उस वाले उसमें, इससे पता नहीं क्या हो गया, इसको पाले से क्या हो गया पता नहीं। गाइस मिलूंगी आपको थोड़ी देर में, ठीक है। हम आ चुके हैं घर से और यहाँ पे नीचे पे आ चुके हैं रोड पे, और साथ में मेरी भाभी भी जी भी हैं। और यहाँ पे देखो सारी रोड में धूल ही धूल इस तरफ से ऐसा हो रखा है, पता नहीं कैसा हो रखा है, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, बारिश के कारण यहाँ पे धूल ही धूल हो रखी है। हम भी चल रहे हैं मैच में, आप भी गाइस मेरे साथ बने रहना। अभी पता नहीं कहाँ कहाँ का मैच चल रहा होगा, क्योंकि 3 बजने वाली हैं और एक साइज एक मैच तब तक ख़त्म हो जाएगा सिरोली और बेंजोड़ी का। हम जाएंगे केसुंदर का और यहाँ क्या बोलते हैं उसको ओणी, ओणी केसुंदर ओणी का होगा मैच, और वो देखेंगे। अभी हम जाके देखते हैं कौन सा मैच चल रहा है और किस तरह चल रहा है, आप भी बने रहना गाइस हमारे साथ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इस तरह से ठंडा हो रखा, जहाँ पे इस वाला पहाड़ साइड है तो यहाँ पे ठंड टाइप की हो रखी है, और इधर धूप साइड। देखो दो तरह का मौसम है किशनगढ़ गांव में। दोस्तों यहाँ पे लगी हुई है खुम्भ, और ये देखो मूँगफली वाले भैया आ चुके हैं ऊपर खेल दे के, आप आ गए भैया। और यहाँ पे मैंने पहली मतलब कई दिन से आ गए नीचे, हम पैदल भी जाते हैं, और देखा आज प्रखंड लगा है इस पेड़ में, आम के पेड़ में वो भी, और देखो कितना बड़ा आम का पेड़ है। जब आम होते हैं सीजन के तो हम सीधे यहाँ लेने आते हैं। रानू का बढ़िया होने परी ऐसे नगर गई है, अच्छा अच्छा। और यहाँ पे देखो दोस्तों पेड़ का फ़ायदा, आम के पेड़ का फ़ायदा, और यहाँ पे
आम के पेड़ हैं बहुत सारे, जब आम होते हैं हम सब नीचे ही आते हैं, क्योंकि हमारे आम के पेड़ जो है नीचे हैं और वो भी गर्म जगह पे हैं, क्योंकि गर्म जगह पे होता है आम और माल्टे होते ठंडे जगह पे। आई देखो डॉग भी आ रहा है, देख के सिरोली का डॉग है कि बैली का, वो भी आ रहा है मैच देख के। अभी गाइज यहाँ पे देखो, जब आम होंगे ना गर्मियों में सीजन में, तो हम सीधे यहाँ आते हैं आम लेने के लिए, इतनी दूर आते हैं। चलते हैं, आप नीचे बने रहो आप भी वीडियो में। और यहाँ पे मैं टोपी भी ला रखी हूँ और धूप से देखो देखो गाइस यहाँ पे पैर कैसे हो गए हमारे, पैर देखो सफ़ेद हो चुके हैं। और चलते रहो कब तक पहुँचे देखते हैं। यार भाभी पीछे से थक गई मेरे साथ, मैंने एकदम फास्ट रेस लगा रखी है। और सिरोली बैन जोड़ी पे एक एक गोल लग चुका है, मतलब दोनों टीम पर एक एक बराबर हो चुका है गोल का। और देखते हैं कौन सी टीम जीतेगी, क्योंकि दोनों ही टीम दावेदार है। और अभी बने रहे गाइस, अभी ससुर जी गए ना इसलिए मेरे को पता चला, आप भी वीडियो में बने रहे ठीक है। चलते रहो और बने रहो ठीक है। देखो गाइस हम आ चुके हैं नीचे, और साथ ही साथ यहाँ पे देखो ये बाइक स्कूटियों में जा रहे हैं लोग घर, जिनको मैं समझ नहीं आए वो घर जा रहे हैं। अभी गाइस हम चल रहे हैं मैं भाभी जी, और इतनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं ना नीचे पे, और साथ में वो गुड़िया के बाल वाला होता है ना वो भी आ रखा है बेचने के लिए। साथ ही साथ लोग अपने घर जाने लगे हैं, और जो स्कूटियाँ लेके आ रखे हैं वो जा रहे अपने घर। और हम पहुँचने वाले हैं मड़ियान के फील्ड में। आवाज़ भी आपको धीरे धीरे सुनाई दे रही है स्पीकर की, वो हमारे ससुर जी की बहुत ही ब्यूटीफुल आवाज़ है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। यहाँ पे देखो गाइज इतनी सारी कारें मैक्स सारी लगी हुई है, स्कूटियाँ साइड से खड़े करने की जगह नहीं होगी उधर। और देखो यहाँ पे इतनी सारी लगी हुई है, सारे आ रखे हैं सिरोली से बैनजोड़ी से। इस यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं एकदम फर्स्ट क्लास, चारों चकाचौंध नीचे गाड़ियों की। जो ये है ना यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ लगी हैं मैक्स कार वगैरह, मैंने जैसे आपको बताया था परसों भी स्कूटियाँ लगी हुई है आजकल। और ये देखो गाइस मेरा टोपा धूल में बिक गया, धूल में भर गया। और अब चलेंगे आगे, आपको बताऊंगी मैं। और भैया भी आगे से आ रहे हैं भाभी को लेने के लिए। अरे भाभी भैजी भैजी अभी वापस आना था, फिर वापस चलेंगे ना दिखते हैं। और गाइस यहाँ पे तरह तरह की स्कूटी बाइकें लगी हुई हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना वैसे ही यहाँ पे स्कूटियाँ बाइकें लगी हुई हैं। ये देखो रेड रेड कार ऑल्टो की, ये देखो गाइस गाइस यहाँ पे सिरोली की ब्याह रखी है पाना पाना। और देखो गाइस यहाँ से देखो सनसाइट, सिरोली के पक्ष में और गोलकीपर का लंबा ऊंचा खेल, लेकिन दिशाहीन शॉट यहाँ पे खचाखच नियंत्रण से बाहर, शॉट क्रॉस बार के काफी ऊपर से देखा है। इस तरह से बैंजोड़ी ने एक बेहतरीन स्वर्णिम अवसर गवा दिया मैच में वापसी के लिए। आज कुछ काम काज नहीं था सबका, सारे नीचे पहुंच रखे लगे हुए। बैंजोड़ी के डिफेंडर ने क्लियर किया गेंद को और सिरोली के खिलाड़ी के कब्जे में गेंद, माइनस पास अपने मिडफील्डर को। गेंद एक बार फिर से बढ़ाने की कोशिश सिरोली के खिलाड़ी को द्वारा, लेकिन छकाने में सफल हुए बैंजोड़ी के खिलाड़ी, सिरोली के खिलाड़ी। और बहुत अब इस बारी मौका मिलेगा बैंजोड़ी की टीम को
फ्री किक मार लेगा बेंजड़ी की, इतनी शॉट लगाए बहुत ही अच्छे अपने साथी खिलाड़ी को, तो नहीं अच्छा यहाँ पे हार लेगा एक बार, अभी मौका बन सकता है लेकिन एक बार फिर छह नंबर के खिलाड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से, और यहाँ पे गोल को कीपर ने दो तीन मौके अपनी टीम के लिए बचाए हैं, जो कि जिस कार्य के लिए वो यहाँ पे है वो कार्य उन्होंने बखूबी निभाया है। बहुत लंबी शूट यहाँ पे डिफेंडर 13 नंबर के द्वारा, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे शूट करते हुए बेंजोड़ी के खिलाड़ी, लेकिन 13 नंबर को नहीं भेज पाए 13 नंबर ने अपने कीपर के हाथों में। देखो गाइस हमारी केसुंदर की टीम और यहाँ पर बैठ रखे गाइस, और ये देखो हमारी केसुंदर की टीम तैयार होते हुए, और पता नहीं दूसरी वाली टीम पता नहीं कहाँ है। यहाँ पे हमारे अतिथि लोग बैठ रखे हैं, वहाँ पे हमारा ब्याह रखे आस पास वाले ब्याह रखे हैं, यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं। देखो ऊपर बुजुर्ग ब्याह रखे बुढ़े बुढ़े लोग, लेकिन एक बार मिला मौका और अमित ने थ्रो किया बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से, 10 नंबर के खिलाड़ी हैंड लेना सिरोली के साथ, बेंजुड़ी के साथ सिरोली रही विजयी, और अब होगा केसुंदर और ओणी का मैच। आप भी बने रहे गाइस मेरे साथ हमारे यहाँ का मैच देखने के लिए, इसलिए हम बैठ गए हैं सबसे पहले। ये देखो सीधे आ गए यहाँ पे नेट के सामने, नेट बोर्ड के सामने, यहाँ पे गुप्तगुप कर यहाँ पे गाइस हमारी ओणी की और केसुंदर की टीम तैयार होते हुए, और एकदम तैयार हो गए अब क्योंकि मैच स्टार्ट होने वाला है। और अगली आवाज यहाँ पे श्री बलवंत नीले उसमें कुमार जी की होगी, जो कि आज ये नीले उसमें हमारे मेरे गले को बहुत विराम दे चुके हैं और वो मेरे आदरणीय भी रहे हैं, और उनसे वो स्वर्गीय श्री गणेश कुमार जी की स्मृति में जो ये टूर्नामेंट चल रहा है वो मेरे खेल में आदरणीय थे, उन्होंने मुझे बहुत सारे खेल में जो अतिथि महोदय श्री डॉक्टर प्रशांत जी और डॉक्टर बिंदु जी, इस समय खिलाड़ियों से परिचय करने के लिए जाते हुए इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले का। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, हो पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी। शानदार किक गोल की तरफ, तो इस तरह से ये दूसरा लंबा उठा थ्रो अपने सेंटर फॉरवर्ड को गेंद देना चाह रहे थे, लेकिन हेडर के जरिए क्लियर किया कि सुंदर के खिलाड़ी ने अपने राइट आउट के लिए उठाया, और राइट आउट ने खिलाड़ी को सिखाने की पसंद ली, लेकिन प्रशंसा करनी होगी वहां पर ओणी के मिडफील्डर के द्वारा, गेंद को क्लियर करके साइड लाइन के बाहर कर दिया गया। थ्रो इन यहाँ पे सूरजदार थ्रो इन करते हुए, लंबा ऊंचा थ्रो इन सेंटर फॉरवर्ड के लिए, गेंद देना चाहा था हेडर के जरिए क्लियर किया, लेकिन जिस तरह से धकेला था वहां पर केसुंदर के मिडफील्डर के द्वारा, फ्री किक ओणी के पक्ष में फाउल का। लंबा ऊंचा किक ओणी आक्रमण पर हेडर के जरिए क्लियर करने की कोशिश, थ्रो इन के सुंदर के द्वारा अपने ही हाथ में, लंबा ऊंचा थ्रो इन हेडर के जरिए क्लियर किया, ओणी के खिलाड़ी के कब्जे में गेंद, तलाशते हुए अपने साथी खिलाड़ियों को, एक खिलाड़ी को छकाने के पश्चात लेफ्ट आउट को गेंद देना चाहा था, लेफ्ट आउट काफी अंदर खेल रहे थे यहाँ पे केसुंदर की नहीं ओणी को फ्री किक मिलते हुए, देखते क्या होता है यहाँ पे मैच। सारी निगाहें एक बार फिर से केसुंदर के गोल पोस्ट की तरफ, शॉट बचा दिया यहाँ पे हमारे गोल पोस्ट को, चपंती के खिलाड़ी से माइनस पास सरकाया उसे अपने सेंटर फॉरवर्ड के लिए, लेकिन छीनने में सफल हुए केसुंदर के खिलाड़ी, अपने राइट आउट को गेंद देना चाह रहे थे, इंटरसेप्ट किया वहां पर ओणी के खिलाड़ी ने, बढ़ाया उसे अपने राइट आउट के लिए, राइट आउट इस समय सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर जाकर गेंद को लेने का प्रयास करते हुए क्लियर किया राइट फ्लैंक से बल्कि, और भाई बचा बचा, जी बचा सौरभ सौरभ
उरी के खिलाड़ी के कब्जे में गेंद, तिरछा पास अपने किक लेना और फ्लैग किक मिली है उरी को। फ्लैग किक फ्लैग किक उरी के लिए काफी दिशाहीन शॉट चतुर यहाँ पे लगाया और एक बारी फिर से पुनः हो सकता था लेकिन यहाँ पे रिफाइज उनके हाथों में अभी भी पकड़ा डाला नहीं है। किस सुंदर के खिलाड़ी गेंद को लेने का प्रयास करते हुए उनसे उड़ी के खिलाड़ी है और गुत्तम गुत्ता चलते हुए अभी भी ओड़ी के खिलाड़ी ने गेंद को लंबे स्कोर रोइन है ना के जरिए ओ भाई ये करीबी माम तो और कल की वीडियो में एंड कर नहीं पाई क्योंकि कल आके घर थक चुके थे और केशव की टीम हार चुकी थी ओड़ी के साथ तो अच्छा नहीं लगा वीडियो को एंड करने को लगा। और आज की वीडियो का इतना ही रखूंगी मैं, ममता मिलूंगी कल एक नई वीडियो में। तब तक मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अच्छे से कमेंट करना, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ममता मिलूंगी कल एक नई वीडियो में, तब तक जय देवभूमि जय उत्तराखंड। बाय बाय गाइस, बाय बाय।